गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय भूगोल का पहला पाठ पर्यावरण उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, पारितंत्र क्या है? पारितंत्र की परिभाषा मैंने आपको लिखाई थी बोर्ड पे, फिर भी मैं इसका आंसर आपको बोर्ड पे करवा रही हूँ। देखो पारितंत्र क्या है, सबसे पहले अपने नोटबुक में लिखो, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 1, पारितंत्र क्या है? उत्तर देखो इसका, पारितंत्र वह तंत्र है, पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के गुण बौद्धिक एवं रासायनिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जिसमें वे निवास करते हैं। क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। जिसमें निवास करते हैं पारितंत्र कहलाता है।
इसका आंसर देखिए, हमारे चारों तरफ प्राकृतिक पर्यावरण, हमारे चारों तरफ उत्तर, हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ मौजूद विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार, विभिन्न प्राकृतिक घटक, विभिन्न प्राकृतिक घटक जैसे पेड़ पौधे, जैसे क्या है, पेड़ पौधे, नदी, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, मिट्टी, पर्वत, मिट्टी, हवा, पानी, पानी आदि मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण, हवा, पानी आदि मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है, देखो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक में पहला है प्राकृतिक। अब प्राकृतिक के अंदर क्या क्या आएगा? दूसरा है मानव निर्मित, जो मानव बनाता है, और तीसरा है मानव के अंदर आते हैं। इसको मानव निर्मित में क्या होता है? मानव जिनका निर्माण करता है, और मानव के अंदर जो, मानव के अंदर जो चीजें आती है उसको कहेंगे मानव द्वारा। अब पर्यावरण के घटक में प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं? जल, वायु, स्थल, जल, वायु, स्थल और सजीव। अब मानव निर्मित इमारतें, मानव किसकी
इमारतों का, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, इनका निर्माण कौन करता है? मानव। इनको कौन बनाता है? मानव द्वारा निर्मित है। अब थर्ड है पर्यावरण के घटक में मानव। मानव के अंदर क्या आएगा? एक व्यक्ति, एक व्यक्ति क्या है? मनुष्य। एक व्यक्ति दूसरा है परिवार आता है मानव के अंतर्गत, समुदाय आता है, धर्म आता है, धर्म शैक्षिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मानव के अंदर बताती है। आर्थिक राजनीतिक स्थिति ये मैंने आपको बोर्ड में भी करके समझाया था तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखो अब ये था थर्ड क्वेश्चन, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के घटक है प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक में क्या क्या आएंगे? जल, वायु, स्थल और सजीव किसमें आएंगे? प्राकृतिक में। और दूसरे में क्या आएंगे? इधर देखो मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक। मानव में एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति। तो ये हो गए पर्यावरण के घटक। अब अपन करेंगे बड़ा पैमाना यानी कि चौथा प्रश्न, मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण दीजिए। तो अपने को क्या करना है? मानव निर्मित पर्यावरण के चार केवल उदाहरण लिखने हैं। जो इसमें से भी अपन लिख सकते हैं कौन कौन से? इमारतें, पार्क, ये मानव निर्मित वाला। अब आगे वाला देखो बड़ा के मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर ग्रह, मानव निर्मित, मानव निर्मित पर्यावरण के, पर्यावरण के चार उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित में है देखो आंसर उत्तर मानव निर्मित, जैसे अभी उसमें लिखवाया था मैंने आपको वो के वही लिखना है कि मानव निर्मित का निर्माण करता है इमारतें, पहला है इमारतें, दूसरा है पार्क, तीसरा है पुल, चौथा है सड़क। ये हो गए मानव निर्मित। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? स्थल मंडल क्या है? तो अपन स्थल मंडल के बारे में देखेंगे कि स्थल मंडल क्या है। पृथ्वी के ठोस प्रकृति या कठोर ऊपरी परत को क्या कहेंगे? स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों या खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तु के लिए भूमि प्रदान करता है। तो अपन छह वाला देखो, स्थल मंडल क्या है? छह वाला देखो, स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल क्या है?
आंसर देखो, उत्तर पृथ्वी की एक ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों या खनिजों से बना होता है। किससे बना होता है? यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। खनिजों से बना होता है। मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। आगे देखो, जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जीवी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक पादप और जंतु। कौन कौन से हैं? पादप और जंतु। जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या है? प्रश्न नंबर 6। जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या है? देखो, पहला है पादप, दूसरा है जंतु। उत्तर, जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक पहला है पादप, दूसरा है जंतु। अब आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन, जैव मंडल क्या है? जैवमंडल क्या है?
प्रश्न नंबर जे, जैव मंडल क्या है? देखो उत्तर, पादप एवं जंतु, पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जैव मंडल का। मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जीवन को संभव बनाते हैं। आगे देखो, तो ये तो हो गए अपने प्रश्न उत्तर। अब अपन क्या करेंगे? टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ, सही पर राइट का चिन्ह कीजिए। इनमें से क्या वाला है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक पृथंत्र नहीं है? देखो, सही दूसरा है, सही पर राइट का निशान लगाइए। क्या वाला? देखो दूसरा का क्या? इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? इसमें दे रखा अपने को तीन ऑप्शन। पहला है मरुस्थल, सेकेंड वाला है ताल, और थर्ड वाला है वन। तो इसमें राइट कौन सा है? ताल। दूसरा देखो क्या वाला, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? इनमें से
कौन सा इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। पहला है स्थल, फर्स्ट नंबर पे देखो स्थल। दूसरा है धर्म। तीसरा है समुदाय। तो इसमें कौन सा राइट है? स्थल। अब ग और बड़ा ग में आपको कल की क्लास में करवाऊंगी, बाकी के प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। और मैं आशा करती हूँ कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने प्रश्न उत्तर भी आपको बोर्ड पे करवा दिए। अगर आपको इस पाठ या प्रश्न उत्तर में कोई परेशानी हो तो सर के दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके बता सकते हो। धन्यवाद।